हेलो हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स चैनल आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल हैप्पी सेफ एंड साउंड माय लव्स सो गाइस आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू कौन आपकी डेस्टिनी में है या कौन है जो आपकी डेस्टिनी में डिवाइन गॉड भगवान आप जैसे भी उनको बुलाते हैं उन्होंने लिखा है ओके okay? इज कमिंग और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में और राइट सो यू हैव टू चूज यो पायर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड या ये आपके सामने ये डेट ऑफ बर्थ्स है ओके बर्थ डेट्स हैं आप इनको चूज कर सकते हैं और जॉइंट ड्यूटिवली ग्रूप चूज करते हैं आपके लिए ये दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं आप इसमें से एक को चूज कर सकते हैं और जस्ट सी हाउ एवर इट्स सूट्स यू आई विल सी यू एंड योर रीडिंग आपके टाइम्स टैम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी इनोवाल हलो वालो हलो 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 हेलो फाइल नंबर वन सो देखने हम लगे हैं कि आज आपकी लाइफ में कौन आने वाला है वो इज़ कमिंग हेड इन टूअर्ड्स यू ओके सो जस्ट रिलैक्स काम डाउन ओके और टी टीप रेथ Let's see, what's coming, coming towards you? What's your life? Alright, this is Four of Pentacles, pile number one. Alright, this is Four of Pentacles. Four of Pentacles is all about abundance, it's all about money. इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक ऐसी चीज़ जिसमें सब कुछ भरा भरा होता है ठीक है द वे आ, जब डिवाइन आपको किसी चीज़ से भरना चाहते हैं जब डिवाइन आपको किसी चीज़ से फुल ऑफ करना चाहते हैं ओके एंड आई कैन सी वेयर विद फॉर पैंथिकल एनर्जी डिवाइन आपके साथ हैं और अगर आपका ऐसे खाली खाली फील होता है अगर आपको ऐसे फील होता है एज इफ यू आर नॉट वर्दी एट ऑल किसी भी चीज़ के लिए यू डोंट नीड टू वरी ओके बिकॉज़ आपकी लाइफ में अब से अबंडेंस भरने वाली है अगर आप पॉजिटिव रह सकते हो अगर आप पॉजिटिविटी uh, को प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर आप यानी कि डिवाइन पर जो है अंधविश्वास रख सकते हो तो ठीक है ये चीज़ें उन्हीं के लिए मैनिफेस्ट होती हैं जो अंधविश्वास रख सकते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट ईमान फेथ आप जिस तरह भी लैंग्वेज में इसको यूज़ करना चाहें या कहना चाहें ओके गाइस सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स पेंटिकल्स एनर्जी है अर्थ एनर्जी है टॉरस के एफ्रिकन और यहाँ पर इस चीज़ का ये लिटरली इंडिकेशन है गए समथिंग विक इज़ गोइंग टू हैपन और डिलेज आर ओवर ओके आपने बीज जिसे बोलते हैं सीड वो तो बो दिया है ओके okay. और आई थिंक पॉजिटिव रहते रहते और uh, आप कह लो किसी का वेट करते करते बहुत देर भी हो चुकी है कहीं कही ना कहीं और मुझे ऐसे दिख रहा है पाइल नंबर वन के आपकी अब जो देरी है ना जो डिले है दैट इज गोइंग टू बी एंड ओके एंड होने वाला है और एब्सोल्युटली uh, यहाँ पर लविंग एनर्जी है टेंपरेंस ओके हीलिंग यू नीड टू स्टे हील्ड यू नीड टू स्टे काम ओके अगर आप काम रह सकते हो अगर आप इस तरह रह सकते हो कि आपको किसी आने जा किसी के आने से किसी के जाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता और इस तरह के आप यू आर लिटरली अगर गॉड या डिवाइन चाइल्ड आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की फ़िक्र है आप सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन में खुश रहते हैं उन्होंने जिस हाल में भी आपको रखा है ओनली दैन यू विल मैनिफेस्ट मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स ओके अगर आप किसी का यहाँ पर वेट कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि सम बडी शुड कम इन योर लाइफ कि यहाँ पर कोई है जो आपको आपको दिल दिल करता है या आप चाहते हैं कि उनके से आपको कमिटमेंट मिले यहाँ पर इस चीज़ का इंडिकेशन है यू नीड टू वेट अ बिट मोर हैव पेशेंस बिकॉज दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन समथिंग आई गेस यस दिस पर्सन इज फोर ऑफ कप्स दिस पर्सन इज रैना नोट वेरी वेल ये पर्सन अभी थोड़ी ले टेंशन uh, में है थोड़ी परेशानी में है उनको कुछ चीज़ें फिगर आउट करनी है ओनली देन दिस पर्सन विल कम टू वर्ड्स यू ओके लवर्स दिस इज जेमिन एनर्जी एनर्जी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन न्यू लव न्यू वेज न्यू प्रॉस्पेरिटी मुझे ये दिख रहा है पाई नंबर वन यू नीड टू बी अबिट मोर एक्सपोज टू वर्ल्ड बिकॉज आई गेस ये मे बी आप सिचुएशन को नहीं समझ रहे या फिर आप यू नो सिचुएशन को लाइटली लेते हैं या फिर आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हैं ठीक है यू नी टू गो आउटसाइड मे एक मोर फ्रेंड्स और लोगों से बात करें और लोगों की बातें सुने ठीक है आपकी आप कंपनी आपका सर्कल आपका फ्रेंड सर्कल भड़ा होना चाहिए ठीक है अगर आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा तभी आपका दिल और लगेगा तभी आप और खुश रह पाओगे ओके यहाँ दिल लगना आपका बहुत ज़रूरी है क्वीन ऑफ कप्स अपराइट पाइल नंबर वन मुझे ऐसे दिखता है कि आई थिंक आपकी जो मदर है मदर एनर्जी है यहाँ वह आपके मदर या मदर इन लॉ उनकी तरफ से कोई आपको प्रपोज़ल नया प्रपोज़ल आ सकता है इट्स नॉट अबाउट लव प्रपोजल ओनली इट्स अबाउट आई थिंक वो आपको कहीं पर जाने का कह सकती हैं अपने साथ के मेरे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो और आई गेस आप काफ़ी अर्से से डिनाई कर रहे हो या आप काफ़ी अर्से से यू आर लिटरली उनको मना कर रहे हो आई डोंट नो वाई बट यूनिवर्स इज़ एस्किंग यू कि आपको वहाँ जाना चाहिए कहीं ना कहीं आप हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कहीं पर शादी करने का कह रहे हैं या आपको कोई रिश्ता बता रहे हैं कि ये देखो ये अच्छा लड़का है ये अच्छी लड़की है यू नीड टू गिव इट अ चांस ओके नीड टू गिव इट अ चांस और ये कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट मत हो आई थिंक यहाँ पे कोई है आ, ठीक है हो सकता है उन्होंने आपके लिए आपके पसंद का चूज़ नहीं किया या वो आपको फोर्स कर रहे हैं या वर, वर लेकिन मैं ये नहीं कह रही आप उनकी बात माने लेकिन आप उनके अगेंस्ट नहीं जाएं बिकॉज उनकी नीयत उनकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक है ओके और यूनिवर्स डिवाइन कभी भी आपसे गलत नहीं जो है आपका चाहते और पेरेंट्स भी इसी कैटेगरी में ऑलमोस्ट आते हैं बिकॉज़ उनका भी गॉड की तरह का अनकंडीशनल लव होता है गॉड जितना तो नहीं हो सकता लेकिन गॉड की तरह का अनकंडीशनल लव पेरेंट्स का भी होता है ओके okay? आज समझे सही आप आ, उनकी इंटेंशंस को गलत मत समझिए ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स आपको एक नए इंसान से मिलवाएंगे ओके okay? अगर आपका लाइक इफ़ यू आर नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप कार्मिक पार्टनर कार्मिक सिचुएशन से गुजर गुजर के आप थक चुके हैं तो यूनिवर्स आपको एक नए इंसान से मिलवाने जा रही है और पायल नंबर वन पायल नंबर वन मै अगैन एंड अगेन आई एम गेटिंग अ चैनल मैसेज कि अगर आपको कहीं पर जाने का इनविटेशन uh, मिल रहा है अगर आपको कहीं पर जाने का ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिट टू खो देर यूनिट टू विज़ट देर यू शुड बी गोइंग देयर ओके आपको वहाँ पर जाना चाहिए बिकॉज़ वहाँ पर आपके लिए कोई बिग न्यूज़ है जब सो रिवर्स आई थिंक कोई आपका स्टॉक करता है या कोई कोई ना कोई है जो कि आपके बारे में क्यूरियस है कि वट डू यू डू हाउ आर यू लाइक ओके और या um, yeah, जो भी आप कह लें लेकिन यू नो सिचुएशन ये है कि गॉड या yeah, जो डिवाइन है डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्यूरियस पर्सन कोई हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा यहाँ बोलो तो आई थिंक उसका बताने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है ठीक है या उसने आपसे बदतमीज़ी करी है या उसने आपको किसी और तरह से बताया है आप किसी और तरह से चाहते थे ओके okay? लेकिन ये इसकी इंटेंशन गलत नहीं है दिस इज़ जस्ट चैनल मैसेज ओके अदर थिंग मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी वाली जो एनर्जी है क्योंकि तो आपको कभी लगा था कि आई मिस दैट एनर्जी मुझे वो वो एनर्जी मिस हो गई है और मुझे ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए थी आई वॉन्ट समथिंग एल्स या आपका एक सर्टन रिज़ल्ट आपको एक आउटकम चाहिए थी और वो आउटकम नहीं हो पाई सही और आपके यानी के अकॉर्डिंग आपके मतलब के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया दैट इज़ गोइंग द थिंग कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि Uh, वो जिस तरह होना था वो जिस तरह डिस्टाइन था वो उसी तरह से हुआ है जस्ट डोंट क्रिएट पैनिक फॉर योर सेल्फ ऑल्सो कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है पाइल नंबर वन कि आपको जस्ट गो विद द फ्लो मैं आपको यही बोलूँगी पाइल वन के गो विद द फ्लो ओके okay? क्योंकि यूनिवर्स ने हर चीज़ ऐसे रैप अप किया हुआ है आपके लिए ऐसे आपके लिए यूनिवर्स uh, ने अरेंजमेंट की हुई है कि यू डोंट नीड टू डू एनी थिंग वर्थ वाइल यू डोंट नीड टू पुट इन योर एनर्जी आपको ज़्यादा एक्टिव हो गए कुछ करने की या ढूंढने की या कि ये है वो है वो है ये नहीं है ठीक है आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है दिस इज़ फॉर श्योर कि यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू जस्ट रिलैक्स स्टे काम थ्री ऑफ पेंटिकल्स अगर आप कुछ करियर में हैं अगर आप कुछ करते हैं business करते हो job करते हो आप कुछ करने का सोचे कोई डिग्री करने का सोचिए आप वो करो ओके बिकॉज अगैन एम seeing वही है कि यूनिवर्स ने आपका मामला मसला अपने हाथों में किया हुआ है आपको इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है यूनिवर्स खुद आपको डायरेक्ट करेंगे कि ये कौन है हर्मिट एनर्जी इनका सन साइन वर्गो हो सकता है कुछ साइन इनके आई वांट टू टेल यू कि हो सकता है ये वर्गो हो, हो सकता है ये इंट्रोवर्टेड हो ये पर्सन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन इज़ डूइंग समथिंग किसी मुझे ऐसे फॉरेस्ट टाइप को चीज़ लग रही है कोई हिल स्टेशन फॉरेस्ट ग्रीनरी नेचर जहाँ पे ये पर्सन आके आपको मिल रहा है ओके फाइव ऑफ कप्स हो सकता है ये पर्सन ब्रोकन हार्ट जस्ट टेलिंग यू देयर साइंस ये कौन है या हो सकता है इनके जो भी दुख भरी दास्तान कह लें यहाँ वर एवर इनके साथ आई थिंक पास्ट में इनके साथ भी पूरा हुआ है या ये इंसान भी एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपके पास आएगा और हो सकता है ये इंसान आपसे डिस्कस करे आपसे शेयर करे कि ऐसा यही हुआ है नैरो वंस बहुत लेकिन पैशनेट है ये पर्सन ये इस, इसकी ना एक इच्छा होगी कि यह किसी ख्वाहिश होगी कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पीसफुल होनी चाहिए बहुत पैशन से भरी होनी चाहिए कि जिसमें हम एक दूसरे को मना सकें रूट सकें एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो एक दूसरे के लिए लव हो एक दूसरे के लिए सपोर्ट हो ओके okay? ऐसा ये इंसान है और आई थिंक सम्बडी इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन यू मुझे ऐसे दिख रहा है पाइल नंबर वन सम्बडी इज़ इन्वॉल्व इन यू मे बी यू विल गेट टू नो लेटर ऑन दित का विच इज़ इन रिवर्स ठीक है आप इस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते हो है ना आपको इस सिचुएशन से निकलना चाहिए अपने पास्ट की कमिंग थ्री ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी में आप रहे हो या इस पर्सन को किसी ने थर्ड पार्टी में रखा है ओके दैट्स वाई ये इंसान काफ़ी आप बोलो तो नॉट फीलिंग वाल स्टार लेकिन ये डेस्टनी है ओके दिस इज़ अ डेस्ट एंड कनेक्शन डेस्टनी आप दोनों को मिलवाएगी डेस्टनी आप दोनों के साथ हैं और डेस्टनी ही विल प्ले बिग रोल आई वॉन्ट टू सी सम मोर साइंस लेसन एंड ब्लेसिंग्स पायल नंबर वन मुझे ऐसे दिखता है कि यहाँ पर आपकी सिचुएशन ये है कि आपको Uh, जो अपने पास्ट रिलेशनशिप पास्ट में जो आपने सीखा है ठीक है आपने जो पास्ट में सीखा है अपने कारमा से या अपने सिचुएशनशिप से या बॉन्ड से जो भी था ट्रॉमा बॉन्ड था सिचुएशनशिप थी जो भी चीज़ थी ओके यू नीड टू बी लर्निंग बिग लेसन फ्रॉम दैट सिचुएशन ओके बिकॉज uh, आप बार बार सेम गलतियाँ रिपीट नहीं कर सकते हो बिकॉज आप आई डोंट थिंक सो कि आप मजीद अब अफोर्ड कर सकते हो कि मजीद हार्ट ब्रेक्स हो ओके सो लेसन लर्न करो है. पास से पास रिलेशनशिप वाले ने आपको क्या सिखाया है इफ़ आई कैन गैस उसने ज़्यादातर यही सिखाया होगा कि किसी को ख़ुद से ज़्यादा नहीं चाहना किसी को डिवाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी किसी को पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना ठीक है और ये कि आपने जो अपनी गाड़ी है लाइफ की वो रनिंग में रखनी है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या करते हैं वे पुट इन एच एंड एवरी पार्ट एंड सोल ऑफ आवर एनर्जी आवर सोल इनटू दैट वेरी पर्सन और हमें खुद की हमारी लाइफ जो है उस टाइम तक बिल्कुल इसे कहते हैं ना झंड हो जाना राइट तो वो हो चुकी होती है ठीक है तो फिर जब वो पर्सन आपको अपना रियल कलर यू नो जस्ट लाइक के मिलियन दिखाता है तो देन अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है बहुत बुरा हाट ब्रेक होता है फिर ठीक है हाई प्रिस्टेस यूनिवर्स का आपको मैसेज है कि आप हाई प्रिस्टेस हो ठीक है आप समझते हो बात को आप डिवाइन के बहुत अच्छे बच्चे हो ओके सो यू नीड टू लर्न दिस लेसन एंड मूव ऑन ओके दुनिया ना तो ख़त्म हुई है और दुनिया ने ना ही ख़त्म होना है ओके okay, अभी <laughs> तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो आपके पर्सन का प्रोफेशन में देखना चाहती हूँ वह टू से टू शिप्स तो अक्सर ये कार्ड निकलता है पाइल वन में या जो भी है आई थिंक कोई है किसी का पर्सन जो कि मर्चेंट नेवी में है उनके लिए कार्ड आई थिंक निकलता है मेल फ़ीमेल इनका इंट्रैक्शन मेल फ़ीमेल दोनों में है सेल्स हो सकता है बिजनेस मैन हो सकते हैं किसी न किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं या रिलीजियस हो सकते हैं ये इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी रिलीजियस हो सकता है ये किसी आ, ऐसी मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं ठीक है या हो सकता है ये टीचर हो मॉन्टेसरी टीचर आई नो मे भी बच्चों को जहाँ ट्रीट करते हैं या ये नर्स हो सकती हैं जहाँ पे यू you नो know, जो गाइनी वार्ड है वहाँ की नर्स हो सकती हैं किसी के लिए ये चैनल मैसेज है बिकॉज आई कैन सी बेबी गेटिंग डिलीवर्ड है एंड ऑल्सो मुझे ऐसे दिखता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिट है और कमिटमेंट को पसंद करता है इफ़ यू आर नॉट कम वन दैन दिस इज़ नॉट योर बॉडी ओके इफ़ यू आर नॉट कमिटेड वन दिस इज़ नॉट योर बॉडी क्योंकि इनको कमिटमेंट चाहिए मर्जी है ना और राइट हुई इज कमिंग टूवर्ड्स यू ग्रुप नंबर वन किस तरह का ये इंसान है लव ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव इस इंसान को मोहब्बत चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ और वो उनको ऐसे लगता है कि ये पैसा ये दौलत ये सब चीज़ें ठीक है होती हैं लेकिन इनसे रिश्ते लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते शॉर्ट टर्म तो चल सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ये चीज़ें नहीं वैलिड है ठीक है ऐसा इनका मानना है बहुत काइंड है पाइसिस हो सकते हैं ये लिब्रा हो सकते हैं सैजिटेरियस हो सकते हैं ये छोटे बच्चों से अपने से छोटों से या पेट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा ये काइंड है इनके फेवरेट कलर में से ब्राउन कलर हो सकता है येलो कलर हो सकता है अगेन हो सकता है ये पर्सन जब आपको मिले तो हो सकता है ये थोड़े से टॉक्सिक यस, दे कैन भी टॉक्सिक बेट शुरू शुरू में और उसकी वजह इनके पास कारमास कह लो या पास्ट फेल्ड रिलेशनशिप्स कह लो के तो लेकिन सिचुएशन ये है कि जब ये आपसे मिलेंगे व्हेन दे विट गेट द ड्यू लव फ्रॉम यू तो ये चेंज हो जाएगा पर्सन इसका प्रस्पेक्टिव जो है लाइफ को देखने का इट वुड ऑल चेंज स्लो डाउन जल्दी नहीं डालनी आपने इनको कि मेरे साथ शादी करो अभी करो अभी करो के इंसान थोड़ा वक्त लेगा लेकिन इवेंचुअली ये पर्सन आप ही से शादी करेगा ओके जस्ट सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू हु इज़ योर अपकमिंग पार्टनर फ्यूचर स्पाउस हाउ एवर ब्लू कार मेल अगर किसी को सिग्मा मेल का नहीं पता सिमा वेरी वेरी ऑर्गेनाइज किंग अ डू एवरीबडी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड सिगमाज आर जस्ट लाइक लॉयल ठीक है और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इस हर ये बहुत डिटेल है सिग्मा का अगर आपको इंटरेस्टेड हुए तो फिर कभी बात करेंगे स्पिरिचुअल पर्सन है ये सिग्मा अक्सर स्पिरिचुअल होते हैं एंड ट्यूटिव होते हैं नाइन वन वन आई कैन सी के यूनिवर्स आपको बहुत जल्द इनसे मिलवाने वाले हैं कार या बाइक लवर अट्रैक्टिव सिंगल पेरेंट किसी के लिए हो सकता है ये सिंगल पेरेंट हो ओके इनके पास एक बेबी हो बोल्ड फायर साइन एरीज इज लियो मार्स मार्स इज ऑल अबाउट एक्शन मार्स इज ऑल अबाउट मार्स इज ऑल अबाउट एनर्जी जहाँ पे ये बंदा आपके लिए स्टैंड लेगा जहाँ ये बंदा आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा ओके ब्लू शर्ट सेल्स पर्सन सेल्स मार्केट में होते हैं काफ़ी अच्छी सेल में हैं ये बीच है हो सकता है आपको किसी बीच साइड पर मिले या आपके डेट हो वहाँ डीप वॉइस काफ़ी इनकी डीप आवाज़ होगी और पेट हो सकता है इनके पास कोई आ, या कोई पेट से कनेक्शन है मैसेज <laughs> है किसी के लिए आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई नो यू वुड नेवर एक्सेप्ट मी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है तो मुझे कभी भी एक्सेप्ट दोबारा नहीं करोगी वो एनी वेज ने देख लूँ मैं आप लोगों के पर्सन के दिस पर्सन और बी है आर डब्ल्यू ये है जी K J F P D A G. Okay, that's it for today. I will see you in my next reading. Until next time, bye. हाँ बोला पायल नंबर टू सो हम देखने लगे हैं आपकी रेटें हैं वो इज कमिंग टुवर्ड्स यू पायल नंबर टू लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी अराउंड आई यू इस कमिंग टुवर्ड्स यू well pile number 2 bahut thair sari khushiyan sabse pehle aapka swagat karne lagi hai this is about especially after ending a certain cycle because world card ka pehle hi sabse pehle card pe energy because isme <coughs> सबसे हैवी एनर्जी होती है फर्स्ट कार्ड में और मुझे तो दिख रहा है कि आजिफ़ आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हुआ है या हो रहा है उस साइकिल को एंड होने दो ओके उसमें इंटरफेयर ना करो लेट इट एंड जैसे ही ये साइकिल एंड हुआ यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देगी इट्स ऑल अबाउट लिविंग हैप्पीली जिसे कहते हैं ना हैप्पी एवर आफ्टर दैट इज़ द थिंग दूसरी बात यह है मुझे ऐसे दिख रहा है कि मे बी यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ हो सकता है आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाओ लाइफ में और ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ये आपको आपकी लाइफ में इतना फ़ायदा देगी कि यू डोंट नीड अ परसन आपको किसी की जरूरत नहीं है लाइफ आपको खुद ही यू नो वेलकम करेगी दैट इज क नथिंग अभी आप आई नंबर टू सब सोर्स अप राइट विच इज कम्युनिकेशन इज कम इन अप ओके आपकी एक चीज़ से माइंड क्लियर होने वाला है मुझे नहीं पता अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है लेकिन यू आर गोइंग टू गेट ए मेंटल क्लैरिटी ओके या हो सकता है कोई आपको सच बताने वाला है और आप उस सच को ले कर के काफ़ी पॉजिटिव हो या ये सरप्राइज भी हो सकता है हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू आपको नहीं पता रियलिटी का लेकिन कोई आपको सच बताने वाला है एंड दैट सच विल एब्सोल्युटली क्लियर योर ऑल डाउट्स हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फाइव ऑफ कार्ड्स सम लॉस अगर रिसेंटली आपको कोई लॉस हुआ है फाइनेंशियल लॉस या इमोशनल लॉस कुछ भी कह लें अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ डेफिनेटली दिस इज़ योर टाइम दिस इज़ योर टाइम टू टेक एक्शन टूवर्ड ए न्यू डायरेक्शन और ये यूनिवर्स का साइन है कि आपका उस लॉस की जगह आपकी भरपाई एक बहुत हैवी चीज़ से होने वाली है ओके okay? उससे कम अज़ कम दस से पचास गुना ज़्यादा अच्छी बेटर चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे इज़ कमिंग टूअर्ड्स यू टेन ऑफ पेंटिकल्स बिग फैमिली पर्सन इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी है इनका खानदान इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ओके दूसरी चीज़ मुझे इतना दिख रही है ग्रुप नंबर टू के ये पर्सन हो सकता है विद इन वन टू फाइव मंथ्स ये और ये, विद हिज़ फैमिली रिश्ता ले करके आए आपके घर और आई थिंक कोई रिश्ते वाले आ सकते हैं आपसे बात करने दैट वुड बी वन जिससे साथ आपकी शादी होगी आई एम नॉट सिंग सिंगल पर्सन ये पूरा परिवार पूरा फैमिली आएगा आपसे बात करने आपके फैमिली वालों से ठीक है तो आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट एंग्जाइटी है शादी को लेके या किसी स्पेसिफिक पर्सन की कमिटमेंट ना देने की ओर से दैट इज़ गोइंग डैट इज वैलिड ठीक है यूनिवर्स कह रहा है कि वो वैलिड है आप परेशान होते हैं वैलिड हो ठीक है लेकिन ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिवर्स इज हैंडलिंग योर मैटर ओके फाइल नंबर टू किंग ऑफ फैंस सम बड़ी वेरी अट्रैक्टिव very वेरी कम्युनिकेटिव एक्शन ओरिएटेड और पावरफुल पर्सनैलिटी मतलब पावरफुल पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि अभी ये पूरा पॉलिटिशन है या ये प्राइम मिनिस्टर है ठीक है इट्स ऑल अबाउट कि इनकी जो है ना पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल है ओके okay? हम लोग बिरी कमज़ोर नहीं है ये इंसान जो वीक लोग होते हैं वो रिश्ते में छोड़ जाएंगे आपको यू नो व्हाट्स क्या होंगे हैपन बस सो मैनी हैपन ओके लेकिन ये पर्सन आपको कभी छोड़ेगा नहीं अगर इसने आपको कमिटमेंट दिया है तो फिर आप ही चाहे दुनिया दर के उधर हो जाए चाहे जो मर्ज़ी हो जाए नाइट ऑफ कप्स अगेन न्यू प्रपोजल इज़ कम इन पाइल नंबर टू ग्राफ पाइल नंबर टू आपने चूज़ किया है स्पेशली जिन्होंने इंटिवली चूज़ किया है आपके लिए लव प्रपोजल इज़ कमिंग अप लव प्रपोजल इज कमिंग अप ओके और आ, मुझे ऐसे दिख रहा है कि ग्रुप नंबर टू के ये जो लव प्रपोज़ल है ये आई वॉन्ट टू सी हु इज़ दिस मे भी आप आप इनको जानते हैं या नहीं लेट्स चेकआउट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्री ऑफ कप्स किसी फैमिली इवेंट में आपने इनको देखा था आप इनको जानते हैं आई थिंक ठीक है फैमिली इवेंट या कोई मैरिज सेरोमनी कुछ इस तरह की शादी वादी में आपने इनको कहीं देखा था और ये पर्सन ने आपको पसंद किया था और आप आपने इनको देखा हुआ है नॉट रियली really, आप बहुत क्लोजली जानते हो लेकिन आपने इनको देखा हुआ है कौन है ये ये आपका एक्स नहीं है ये आपका नहीं है, फाइल नंबर टू एम श्योर ये आपका एक्स नहीं है बहुत लाइट एनर्जीज निकल रही हैं समबडी इज़ वेरी एस्टी बहुत किसी को बहुत जल्दी है आपसे शादी करने की आपके दिल साथ यू नो रिलेशनशिप बनाने की आपके साथ एक पूरा करने की सिचुएशन बनाने की ओके सो या समबडी इज़ वेरी एट्रैक्टेड टूअर्ड्स यू एट ऑफ पेंटिकल्स अगर आप कोई वर्क करते हो अगर आप कोई बिजनेस करते हो या हो सकता है आप um, हो सकता है पाँच नंबर टू हो सकते हैं है, आप ना कोई कु, ऐसा जॉब या वर्क बिजनेस कु, कुछ ऐसा करते हो जिसको लेकर के ये पर्सन बहुत इंप्रेस इसीलिए कहते हैं करियर स्ट्रांग रखें इट इज अ प्लस पॉइंट ऑलवेज आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल इट इज ऑलवेज बिग प्लस पॉइंट ठीक है तो ये पर्सन आप किसी के साथ हो सकता है डील कर रहे हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत वेट करवाया है या आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन ने कभी भी मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लेना या इसने कभी भी मेरे लिए इट ए लव मी इसने कभी आज तक मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लिया तो दैट इज़ गोइंग टू रिवर्स ओके इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि वट डज़ ही वॉन्ट ओके वट डज़ ही वॉन्ट और um, आई थिंक ये इंसान क्योंकि यहाँ पर यू सी किंग ऑफ वेंड्स भी था तो इस इंसान ने एक्शन लेने का डिसाइड कर लिया हुआ कि दिस पर्सन वॉन्स एक्शन अगैन जजमेंट है ठीक है इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी एग्री करेंगे वो भी मानेंगे इट्स नॉट राइट लाइक कि यही आपके लिए एक्शन लेगा या यही आपके ओर आएगा या यही सब कुछ लेगा नो इट्स नॉट लाइक दैट आपके जो uh, इन लॉज हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं अगर वो लोग नहीं मानते अगर उनका कुछ इशू है वो भी सॉल्व होने जा रहा है ओके okay? हर मैट चुप करके बैठे रहो यूनिवर्स का आपको ये मैसेज है बस चुप करो चुप करके बैठे रहो और देखो तमाशा मैं क्या करता हूँ जिस पॉजिटिव आपका काम पता क्या है आपका काम सिर्फ ये है कि आप यूनिवर्स पे आपने ब्लाइंड फेथ रखना है कि यूनिवर्स सब कुछ करेंगे ओके यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट कि यूनिवर्स आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे या ये कि यूनिवर्स आपसे प्यार नहीं करते या यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ नहीं करना ये गलत बातें ठीक है।, है ये बातें आपको आपके गोल से आपके ब्लेसिंग से और दूर ले जाती हैं right? so like और राइट सो डोंट बी लाइक दैट ऑलवेज बी अ ग्रेटफुल पर्सन ताकि और अबेंडेंस आए आई वॉन्ट टू सी वट डज यू डू प्रोफेशनली अथॉरिटी फिगर पायल नंबर टू मैंने बताया है काफ़ी ये आ, वो है अथॉरिटी पावरफुल पर्सन है पर्सनालिटी वाइज भी और क्योंकि मैंने प्रोफेशन की एनर्जी डाली है तो आई कैन सी वाई है मे बी लॉयर एनी थिंग जुडिशरी यहाँ हो सकता है ये कोई वो करते हो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना वो हो और यह पास भी कर जाए ठीक है और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन एग्जाम दे रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब का ओके एंड दिस इज हिज प्रोफेशन विजडम राइटर हो सकते हैं ओके ये जर्नलिस्ट हो सकते हैं जर्नलिज्म में इनका हो सकता है कुछ ना कुछ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने लाइफ में कोई ऐसा वाइज डिसीजन लिया था जिसकी वजह से आज ये काफ़ी रिच है मेडिसिन मैन और वुमेन हीलिंग हो रहा है डॉक्टर नर्स इस टाइप की मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं नहीं तो योगा मेडिटेशन इस सब चीज़ों में इनका बहुत इंटरेस्ट है बहुत इस चीज़ों को है फोबिया दिस जबान जो का आपको कोने से डरेगा हमेशा आप ये चीज़ उसमें देखोगे कि ये बंदा ही या बंदी आपको कोने से डरता है आई वॉन्ट टू सी द लास्ट मैसेज मॉन्क और नन वेल इट डजन मीन कि इज़ लिटरल मॉन्क और अ नन ठीक है इट जिस मीन्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा ये मेडिटेशन सेल्फ लव करते हैं सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं ओके आइसोलेशन इनको पसंद है इनको प्राइवेसी इनके डिस्टर्ब ना हो ऐसा इनका है काफ़ी सीन वेरी यू नो वेरी प्रैक्टिकल मैन वेरी ऑर्गेनाइज्ड इस टाइप का इंसान है एनी वे जैसा भी होगा आई आई ट्रस्ट यू आई बिलीव इन यू यू विल हैंडल दैट आपको ट्रेनिंग दे दी हुई है मैंने राइट एनी सो मैनी मैसेजेस फॉर यू टुडे पाई नंबर टू Uranus Uranus, <coughs> Uranus is all about passion planet of passion planet of any uh, emotions dreams SI person Mars action oriented. फायर साइन एर इज सजिट ए ब्लू शर्ट की एनर्जी है गाइस तो मे बी देवर वियरिंग ब्लू शर्ट पहली दफ़ा मिले आप हाँ। ठीक है सिग्मा कुछ मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं पायल नंबर वन से आई थिंक समबडी इज़ वाचिंग द पायल नंबर टू इज वेल आई गॉट वेल दिस इज सिग्मा पर्सन ओके okay? सिग्मा पर्सन इज जिसको नहीं पता इज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज वेरी कैलकुलेटेड और जिसको कोई परवाह नहीं होती किसी की ठीक है इट्स नॉट ने फैमिली को छोड़ गए अपने पार्टनर्स को छोड़ गए मतलब दिस इज़ नॉट अ पर्सन जो कि हर एक पर मर रहा होता है दिल फेंकें नहीं होता ठीक है अपने गोल्स की तरफ ही बस ये लगा होता है ब्लू कारिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी डिजिटल मार्किंग मार्किटिंग Leo single parent was there yeah Rich Will you marry me? <laughs> well this is a proposal for you independent person I was feeling his energy of independence attractive, good looking. Dinner, maybe आप लोग दोनों dinner date पे जाए having fun. Deep voice. Depression. Please take what resonates, ठीक है क्योंकि mrs जेनर रीडिंग क्या कह सकते हैं africa होम डिलीवरी देख लें जो जो मैसेज रेजोनेट हो रहा है वेल यू नीड टू प्रे एंड मैनिफेस्ट ओके क्योंकि दिस इज अ मैनिफेस्टेड पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन ज्वेलरी लवर तो ये भी हो सकता है आपको बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट करेंगे ओनर्स इनकी डेट ऑफ बर्थ एट से फोर्टीन के बीच में हो सकती है एट टू तो फोर्टीन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं को गाड़ियों का और बाइक्स का बहुत शौक है सेंस ऑफ यूमर बहुत अच्छी है बहुत मज़े के हैं ये आपके लिए इंजीनियर किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर सिविल साउथ अमेरिका अमेरिका के काफ़ी वाइब्स आ रही हैं यहाँ लव योर ट्रू लव एंड कम इन विध फेम इनके पास फेम होगी मे बी नॉट नेसेसरीली कि इंटरनेशनल फेम है लेकिन हो सकता है अपने एरिया में अपनी फील्ड में अपनी फर्म में जगह काम करते हैं काफ़ी अपने काम की वजह से मशहूर हो सकते हैं या बराबर राइट ननीषा देखेंगे आपके पर्सन के वितिगो या जी जी है E, Z E L U This is again love you, okay? B G M Y That's it for today. I will see you next time. Take care and bye.